चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश पदाधिकारी और जिलों की संयुक्त बैठक, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद है और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह भी बैठक में मौजूद है। इसके अलावा मोर्चा प्रकोष्ठकों के अध्यक्ष भी बैठक में शामिल हुए हैं। खबर बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है और ये सबसे बड़ा मंथन है। चुनाव के बाद सबसे बड़ा मंथन इसे माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में कई सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो प्रदेश में होने वाली है। हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ जुड़ चुकी है इस खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे। शबाना, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है, मोर्चा प्रकोष्ठकों के अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद ये सबसे बड़ी बैठक, सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि मध्यप्रदेश के भाजपा कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के नेता शामिल हुए हैं। इसमें सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश सिंह शामिल हुए, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल है, प्रदेश अध्यक्ष भी बैठक में शामिल है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ये बड़ी बैठक करी और इसके जरिए जो है प्रदेश भर में आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बैठक। और सबसे बड़ी बात आप इस बैठक में देखेंगे कि 15 अगस्त से पहले एक बड़ी प्लानिंग पूरे प्रदेश को देशभक्ति के माहौल में मचने की ये प्लानिंग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से भाजपा हमेशा से ही हर कार में आगे रहती है, और शायद यही वजह कि ये बैठक अपने आप में बता रही है कि आगामी रणनीति को तैयार करने के लिए भारतीय जनता ये पार्टी ये तैयारी कर रही है। हर घर में तिरंगा फहराने का प्रधानमंत्री का ऐलान है, उसको भी सफल बनाने की मध्य प्रदेश में कोशिश की जाएगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात जो कार्यक्रम है उसको भी जनता के जरिए कैसे सुनाना, ये सारी चीजें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्लानिंग करती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को इस अभियान की शुरुआत होगी और लगभग एक हफ्ते तक ये अभियान चलेगा। और इसमें जो है बैठक में जिला अध्यक्ष के अलावा जिले के जितने भी पदाधिकारी है वो शामिल हुए हैं, उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि किस तरीके से इस अभियान को सफल बनाना और कैसे इस कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर दिखाना है। तो अलग अलग तारीख है और अभियान पूरे सप्ताह भर चलेगा, यानी कि 9 तारीख से शुरू होकर यह अभियान पूरे 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने अभियान को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है और इसमें महापौर के अलावा नगर निगम अध्यक्ष, इसके अलावा विधायक, सभी सांसद और जिले के सभी पंचायत अध्यक्ष को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देगी और इसके जरिए जो है आप देखेंगे हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएगी। 11 अगस्त को पूरे प्रदेश में जो है वो तिरंगामय होगा। इसके अलावा जो है इसके लिए जिला मंडल में समिति का गठन भी होगा और बड़ी जिम्मेदारी देगी अपने कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी ये बड़ा संदेश देने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबाना जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।